हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ वर्डप्रेस के मीडिया ऑप्शन के बारे में कि कैसे इमेज अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है या कोई भी डॉक अपलोड करना है आपको वर्डप्रेस वेबसाइट पे और उसे यूज करना है। तो हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है पोस्ट के नीचे मीडिया, इस पे हमारे पास दो ऑप्शन होता है, एक होता है लाइब्रेरी और एक होता है एड न्यू। तो लाइब्रेरी में अभी हमारे पास कुछ भी नहीं है तो यहाँ पे नो मीडिया फॉर्म दिखा रहा है, और यहाँ से भी हमें लाइब्रेरी से भी ऐड न्यू करने का ऑप्शन मिल जाता है या फिर यहाँ से भी। अगर मैं इस पे ऐड न्यू करता हूँ तो आप देख सकते हो एक ड्रॉप फाइल टू अपलोड और सेलेक्ट फाइल का ऑप्शन आ जाता है। ऐड न्यू भी मैं क्लिक करूंगा तो सेम चीज आएगा। लाइब्रेरी में क्या होता है कि जो नीचे अपलोड हो चुका है वो साथ में आ जाएगा। तो यही से हम लोग करते हैं अपलोड। और यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले एक सेलेक्ट करके आपको फाइल दिखाता हूँ। तो मैं अभी सेलेक्ट करने जा रहा हूँ, तो अभी फिलहाल के लिए मैं इमेज अपलोड करता हूँ। तो आप देखोगे कि जब अपलोड हो रहा है तो वो दिखा दिया कि उसने अपलोड हो गया। अब यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ, डाउनलोड पे जाता हूँ और दो फाइल को ड्रैग एंड, तो मैं यहाँ पे ऐसे जाके ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ। तो जब मैंने इसे ड्रैग एंड ड्रॉप किया तो आप देख सकते हो कि दोनों फाइल अपलोड हो गया। तो लाइब्रेरी में हमें दोनों फाइल दिख रही है और डाउनलोड हो रहा है। अब यहाँ पे आप यहाँ पे जब ऑप्शन में जाओगे तो यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ऑडियो अपलोड कर सकते हैं, वीडियो अपलोड कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट, सब कुछ अपलोड हम लोग कर सकते हैं इसमें। तो फॉर एग्जांपल मैं आपको सारे एक एक चीज करके दिखाता हूँ, जैसे पीडीएफ है, सैम्पल ऑडियो वीडियो है। ठीक है, मैं इसे ओपन कर देता हूँ। देखो बस सारी चीजें अपलोड हो गई है। पीडीएफ ये हो गया, हमारा एक्सेल ये है, MP4 और ये है MP3। तो अब यहाँ पे आप सॉर्ट कर सकते हो। अगर आप सिर्फ इमेज पे क्लिक करोगे तो सिर्फ इमेज आएगा, अगर आप ऑडियो पे क्लिक करोगे तो सिर्फ ऑडियो फाइल आएगा, या वीडियो पे क्लिक करोगे तो सिर्फ वीडियो फाइल आएगा। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास आता है व्यू। मैं अभी फिलहाल के लिए व्यू कर देता हूँ। और यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन आता है, एक आता है लिस्ट व्यू जिसमें आपको लिस्ट आ जाएगा, जहां पे आप एडिट का ऑप्शन, डिलीट करने का ऑप्शन, व्यू करने का ऑप्शन, किसने डाला है, अपलोड कब हुआ है वो दिखा रहा है। और जो यहाँ पे अनअटैच आ रहा है इसका मतलब है कि ये मीडिया कहीं भी यूज नहीं हुआ है आपके वर्डप्रेस वेबसाइट पे। और यहाँ पे डेट है कि ये कब यूज करना है। तो आप अगर यहाँ पे भी ऑप्शन जाओगे तो यहाँ पे भी आपको दिखाएगा कि अनअटैच पे जब आप क्लिक करोगे तो वो सिर्फ जितने भी अनअटैच फाइल है जो अब तक यूज नहीं हुआ है वही दिखाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे तो अभी हमारा कोई भी यूज नहीं हुआ है तो सारे अनअटैच फाइल है। ठीक है, माइन में क्या होता है, जो आपने अपलोड किया है वो आपको होगा, कि जो किसी दूसरे यूजर ने अपलोड किया वो आपको माइन में नहीं दिखेगा। स्प्रेडशीट का मतलब होता है सीएसएस अपलोड करना। ठीक है, यहाँ पे आप डेट से भी शॉर्ट कर सकते हो कि 2020 में या 2019 में क्या अपलोड हुआ है। फिर यहाँ पे आप बल्क सिलेक्ट में जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा आपको बल्क सिलेक्ट क्लिक करके डिलीट करने के लिए। आप बल्क में सिलेक्ट कर लो और डिलीट कर दो, तो अभी फिलहाल मैं कर देता हूँ कैंसिल। और जब आप लिस्ट व्यू में आओगे तो यहाँ पे ऐसे बल्क सेलेक्ट करके बल्क एक्शन आप ऐसे ले सकते हो। यहाँ पे एक्शन के नाम पे सिर्फ डिलीट करने का ऑप्शन देते हैं। और यहाँ पे सेम उसी तरीके से सर्च का भी ऑप्शन आ जाता है आपके पास, तो आप देख सकते हो। अच्छा, अब आप यहाँ पे देखोगे कि ये सारे अनअटैच्ड हैं, और जो मैं पहले मैंने अपलोड किया था वो देखो यहाँ पे दिखा रहा है कि अटैच हुआ है भाई। वो यहाँ पे देखो आप अटैच्ड है ये दोनों, मतलब जो लोगो हमने यहाँ पे लगाया हुआ है, यहाँ पे मैंने पहले लगाया था अभी हटा दिया है, तो वो अटैच्ड था। ठीक है, तो अटैच्ड और अनअटैच्ड भी आप समझ गए हो। अब यहाँ पे ऑप्शन आता है एडिट का, तो चलिए एडिट का भी ऑप्शन देख लेते हैं। जब मैं इसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, अच्छा एडिट करने का भी हमारे पास दो जगह से ऑप्शन आएगा, दोनों व्यू में आपको एडिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पहले मैं यहाँ पे बता देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडियो फाइल को भी एडिट करने का ऑप्शन मिल रहा है कि कैप्शन आप डाल सकते हो, इसका डिस्क्रिप्शन डाल सकते हो, मेटा टैग्स वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, इसका कोई इमेज डाल सकते हो फीचर्ड, और यहाँ पे आप प्ले करके सुन सकते हो। तो फिर से चलते हैं लाइब्रेरी पे, और लाइब्रेरी में सेम उसी तरीके से आपको हर चीज का मिलेगा। अब मान लो पीडीएफ को अगर मैं एडिट का ऑप्शन करता हूँ तो उसका कैप्शन डालने का ऑप्शन आ रहा है, डिस्क्रिप्शन आ रहा है डालने का। वो मीडिया पे डिपेंड करेगा कि कितना एडिट का ऑप्शन आपको मिलता है। अब मैं क्या करता हूँ आपको, ये तो मैंने लिस्ट व्यू में बता दिया, अब मैं आपको बताता हूँ ग्रिड व्यू में। तो ग्रिड व्यू में भी आपको क्या करना है, जैसे इमेज को एडिट करना है तो इमेज पे आप क्लिक करोगे वो एडिट ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आपको सारे के सारे डिटेल्स आ रहे हैं इसके बारे में कि फाइल का नाम क्या है, फाइल का टाइप क्या है, अपलोड क्या है, साइज क्या है, डायमेंशन क्या है। यहाँ पे आप ऑल टेक्स्ट डाल सकते हो, टाइटल, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, जो वहां पे आ रहा था वही सेम यहाँ पे आना स्टार्ट हो जाएगा। और इसका
लिंक भी आ जाएगा। अगर आपको कहीं पे यहाँ से कॉपी करके आपको लगाना है तो वो आप लगा सकते हो, इसका लिंक दे सकते हो। अब यहाँ पे व्यू अटैचमेंट पेज में क्या है, जब आप इस पर क्लिक करोगे तो वो दिखाएगा कि कितने पेज अटैच्ड हैं इससे। बट आप यहाँ पे देखोगे अभी तो अभी कोई भी पेज अटैच नहीं है, ये अभी मीडिया ही डायरेक्ट आपको दिखा रहा है। ठीक है, तो मैं बैक जाता हूँ इस पे, और अब आपको यहाँ पे एडिट मोर डिटेल पे जब आप क्लिक करोगे तो आपको एक एडिट पैनल खुल जाएगा जहां पे आप इसे एडिट कर सकते हो, जैसे अल्टरनेटिव टेक्स्ट, कैप्शन, डिस्क्रिप्शन, जैसे कि मैंने आपको सब कुछ बताया हुआ है। इमेज को एडिट करने का इन्होंने एक ऑप्शन दिया है जहां से आप इमेज को एडिट कर सकते हो, स्केल कर सकते हो, एस्पेक्ट रेशियो चेंज कर सकते हो, थंबनेल का साइज बना सकते हो। ठीक है, इसको रोटेट भी कर सकते हो, क्रॉप कर सकते हो, जैसे रोटेट अगर लेफ्ट करूंगा तो ये रोटेट हो गया, रोटेट राइट करूंगा रोटेट हो गया, फ्लिप कर सकता हूँ, तो ये सब सारे ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। ये आपको सिर्फ इमेज के लिए मिलेगा, बाकी लाइब्रेरीज के लिए अभी उन्होंने एडिट का ऑप्शन इतना ज्यादा नहीं बनाया है, बट वहां पे भी जाके आप डिस्क्रिप्शन, ऑल टैग वगैरह चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों ये था मीडिया वर्डप्रेस का, आपने देख लिया कि किस तरीके से मीडिया फाइल को अपलोड करोगे और आप कैसे यूज करोगे। तो आपको ग्रिड व्यू में मैं एक बार लास्ट में ये भी दिखा देता हूँ कि जैसे आपने कोई पीडीएफ अपलोड किया है तो वहां उसका भी आपको ऑप्शन यहाँ पे ही मिलेगा कॉपी लिंक करने का। ठीक है, और यहाँ पे आपको एडिट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। फाइन, ठीक है, तो फिर यही था वर्डप्रेस मीडिया। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी कर दें इस वीडियो को। और अगर कुछ नहीं समझ में आया हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हो, मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ और उसको आंसर भी करता हूँ।